नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। अफगानिस्तान के पंजशीर में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच जंग अब भी जारी है। दोनों पक्षों के बीच जो बातचीत हो रही थी वो फेल हो गई है। अब तालिबान का दावा है कि उसने घाटी को पूरी तरीके से घेर लिया है। ऐसे में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच आने वाले दिनों में तीखी झड़प देखने को मिल सकती है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तालिबान ने पंजशीर को घेर लिया है। पंजशीर ही वो इलाका है जिस पर अभी तक तालिबान का कब्ज़ा नहीं हो पाया है। तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्ज़ा कर लिया था, लेकिन वो अभी तक पंजशीर पर अपना कब्ज़ा नहीं कर पाया है। शेर पंजशीर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद की अगुवाई में यहाँ पर नॉर्दर्न अलायंस लगातार तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। पिछले दिनों में तालिबान की ओर से पंजशीर के एंट्रेंस पर हमला करना तेज हुआ है। वो लगातार घुसपैठ की ताड़ में बैठे हैं। वहीं तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच छिड़ी जंग और गृह युद्ध की आशंका से पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर कहा है कि विदेशी सेना ने जिस तरह अचानक अफगानिस्तान से वापसी की है वो सही नहीं थी। इस तरह की स्थिति अफगानिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर सकती है। ऐसे में अगर तालिबान के साथ सही तरीके से संपर्क नहीं साधा गया था। वहीं दूसरी ओर अहमद मसूद के अलावा खुद को पाकिस्तान के कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्ला सालेह भी अभी पंजशीर में ही हैं। अमरुल्ला सालेह ने ट्वीट कर कहा कि पंजशीर हर अफगान नागरिक के हक की लड़ाई लड़ रहा है। पंजशीर आखिरी दम तक अफगान के लिए लड़ता रहेगा। वहीं एक तालिबानी नेता ने रॉयटर्स को बताया कि पंजशीर को चारों ओर से घेर लिया गया है, लेकिन अभी तक किसी तरह के हमले का प्लान नहीं है। हम चाहते हैं कि बातचीत के जरिए शांति से पंजशीर का विवाद सुलझ जाए ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।